इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज में आए हुए टोटल 60 क्वेश्चंस की, जो कि 2016 के जेटेड परीक्षा में आए हुए थे क्लास 6 to 8 में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, जो सामाजिक अध्ययन होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, ये हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी से जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पर झारखंड से भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों और जानेंगे उनके सारे आंसर। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में जो पहला क्वेश्चन था वो था दोस्तों, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों को कहाँ से प्राप्त हुआ। तो पहला ऑप्शन है गंगा घाटी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी और चौथा ऑप्शन है गारो पर्वत। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिंधु घाटी। उसके बाद हम लोग 68वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नवपाषाण युग के कृषकों और गोपालकों का जीवन शिकारी और संग्राहकों के जीवन से कैसे भिन्न था। यहाँ ऑप्शन देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन है, कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे जबकि शिकारी संग्राहकों नियमित रूप से स्थान बदलते रहते थे, कृषक एवं गोपालक अपनी जरूरत से अधिक फसल उपजाते थे, शिकारी संग्राहक अपनी जरूरत का ही संग्रह करते थे। उसके बाद यहाँ पर सी नंबर में, कृषक अतिरिक्त खाद भंडारण करते थे या बाजार में बेचते थे जबकि शिकारी संग्राहक वैसा ना करते थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी चीज ये करते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 63 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश गुजरात, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है जम्मू व कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। चौंसठ नंबर में देखते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है कलिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी उज्जैन। 65वां नंबर जो क्वेश्चन है, दिल्ली में श्री का किला शहर का प्रतिष्ठाता कौन था, यानी किसने श्री का किला शहर बनाया था, श्री का किला शहर किसने बनाया था, किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो यहाँ पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है इब्राहिम लोदी, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा श्री का किला शहर का बनाया गया था, उनके निर्माता वही थे। और उसका बाद यहाँ पर 66 नंबर में जाते हैं दोस्तों, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा सैन्य विभाग के प्रधान मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर वन है सिपह सालार, दूसरा ऑप्शन है फौजदार, तीसरा ऑप्शन है मीर बख्शी, चौथा में है दोस्तों मीर ए समन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मीर बख्शी को ही कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पर प्रधान मंत्री को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। 67वें क्वेश्चन जो है वो क्या है दोस्तों, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का परिवर्तन लाया। पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, तीसरा में है लॉर्ड ऑकलैंड और चौथा में है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग 68 क्वेश्चन पे जाते हैं, बेगार का अर्थ क्या है, यानी बेगार
का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है वेतन के लिए काम करना, जबरदस्ती मजदूर। तीसरा ऑप्शन है काम की खोज। चौथा ऑप्शन है यह एक जनजाति का नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बेगार किसे कहा जाता है? बेगार जबरदस्ती मजदूर को बेगार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 69वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या है, निम्न में से किस इतिहास वेता ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, उसको किसने प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था? आरटी मजुमदार, बीडी सावरकर, अरविंद घोष, मदनलाल सिंघारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? बीडी सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 17वें क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मूर्ति पूजा और अर्थहीन धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, हिंदुत्व को पवित्र बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, उन्होंने प्रदर्शित किया कि वो हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से बेहतर है, यानी उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है। तो इनमें से कौन सा चीज़ है जो राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है, उन्होंने तो ये किया था, ये भी किया था, उन्होंने अद्वैतवाद का भी प्रचार किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया था दोस्तों, उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया था कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम था? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1793 का चार्टर अधिनियम, 1833 के भारत सरकार का अधिनियम, तीसरा नंबर में 1853 के चार्टर अधिनियम, और चौथा ऑप्शन है 1813 के चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों ये जो 1800 चार्टर अधिनियम था, यही था अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम या अधिनियम, यही था। 72वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। मध्य भारत के निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा पर गालक था? पहला ऑप्शन है बैगा, दूसरा भील, तीसरा गोंड, चौथा अग्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अग्रिया। अग्रिया समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा पर गालक थे। और ये 73वां क्वेश्चन जो है, फूट डालो और शासन करो की रणनीति को अपनाने वाला कौन था या था? उसमें ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कर्जन, एवं ऑप्शन नंबर डी है बी तथा सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग 74वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? ऑप्शन वन में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में दादाभाई नौरोजी की, और तीसरा में है जवाहरलाल नेहरू, चौथा में है अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद ने यहाँ पर लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 75 क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था, यानी किसने हमारे राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी को किसने पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, इसका पहली बार महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 76वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पर लिखा है किस भारतीय नेता ने भारतीय संघ में संघ इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया? पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सरदार बलवंत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं 77 क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1945, 1948, 1955 एवं 1960। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग आया हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर 1920 से 22 होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। और यहाँ पर 78वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? यानी इनमें से किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, चौथा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। 79 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है, कार्यपालिका का, राष्ट्र का, न्यायपालिका का, इनमें से सभी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 80 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर जाते हैं क्या है 80 नंबर में। स्वतंत्र भारत के सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन के प्रस्तावक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आचार्य विनोबा भावे। चलते हैं हम लोग 81 नंबर में। चेरा शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? रांची, पलामू, चतरा, चाईबासा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पलामू में चेरा शासकों ने झारखंड के पलामू जिले में राज किया था। जीएसटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया है जियो स्टेशनरी ट्रांसमिशन गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ज्योग्राफिकल स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों हम लोग 83 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सी धातु की जोड़ी पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करती है? लोहा तथा निकेल, लोहा तथा तांबा, मैग्नीशियम तथा निकेल, क्रोमियम तथा निकेल। यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, पृथ्वी की जो सबसे निचली परत होती है, क्रोड सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी एवं अंतिम परत पाई जाती है, जिसको हम लोग क्रोड कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ना निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, इस परत को निफे भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, लोहा तथा निकेल यह जोड़ी पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करती है। और यहाँ पर हम लोग 84 नंबर पे जाते हैं दोस्तों। निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है? पहला ऑप्शन है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच, आर्कटिक वृत्त तथा अंटार्कटिक के बीच, कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा के बीच, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा के बीच। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 85 नंबर पे, और 85 नंबर पे हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है, भूकंप होता है क्योंकि उच्च ताप हवा बहती है, उच्च चाप हवा बहती है, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है, समुद्र में सुनामी होती है जो भूपृष्ठ को गतिशील होने का कारण है, लिथोस्फीयर की प्लेटें गतिशील होती है जो भूपृष्ठ को कंपायन करती है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है उच्च ताप हवा बहती है, और यहाँ पर पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है ये तो नहीं होगा, समुद्र में सुनामी होती है जो भूपृष्ठ को गतिशील होने का कारण ये भी नहीं होगा, लिथोस्फीयर की प्लेटें गतिशील होती है जो भूपृष्ठ को कंपायन करती है। लिथोस्फीयर में बता दूँ दोस्तों, ये जो लिथोस्फीयर हम लोग स्थलमंडल को ही लिथोस्फीयर कहते हैं, और वहाँ स्थलमंडल जो होता है दोस्तों पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें बहुत सारी प्लेटें होती हैं जो गतिशील रहती है, और जो जब टकराती हैं तभी भूकंप का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिथोस्फीयर की प्लेटें गतिशील होती है जो कि भूपृष्ठ को कंपायन करती हैं। और यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 86वें क्वेश्चन पे, एशिया और यूरोप देशों को पृथक करने वाली पर्वत का नाम क्या है, वो कौन सी पर्वत है जो एशिया और यूरोप दोनों को पृथक करती है यानी अलग करती है, कार्पाथियन, दूसरा हिमालय, तीसरा अल्पास और चौथा है उराल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उराल। अब चलते हैं क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पे, ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति क्या है, पहला ऑप्शन खेल के मैदान के पृष्ठ उन्हें पुनः चक्रित करना, संग्रह कर उन्हें अंबार लगाना, गड्ढे में डाल देना, और चौथा ऑप्शन है भूमि भराव हेतु भेज देना। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों 88 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है, ऑक्साइडों का उत्सर्जन जिसके कारण विश्व उष्मीयमान होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजन का उच्छय, अम्ल वर्षा में वृद्धि, यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजन का उच्छय। 89 में हम लोग जाते हैं दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है, पर्यावरणीय किरणों की वृद्धि, पृथ्वी के तापक्रम में गिरावट, और रक्त किरणों में वृद्धि, और यहाँ पर पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि का ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 90 नंबर में क्या होगा, दोस्तों 90 नंबर में हम लोग देखते हैं, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वर क्यों बनती है, बाढ़ होने से मृदा का जलीय अंश बढ़ता है, पौधे उनमें जड़ों की गहराई तक विस्तार कर सकते हैं, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि की मृदा में अधिक ऑक्सीजन होती है, बाढ़ कीचड़ ले जाती है जो पोषण समृद्ध होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाढ़ कीचड़ ले जाती है जो पोषण समृद्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे और चलते हैं 91 क्वेश्चंस की ओर, 91 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से ग्राम फैले ग्राम पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन है तटीय केरल, पूर्वोत्तर भारत, गंगा का समतल, मालाबार पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मालाबार पठार। 92 नंबर में देखते हैं, निम्न में से कौन झारखंड में नहीं पाया जाता है, अबरक, तांबा, सोना, चूना पत्थर। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, तांबा पाया जाता है, चूना पत्थर भी, अबरक भी पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी जो है सोना यहाँ नहीं पाया जाता है। 93 नंबर में देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है लोअर दगा, तीसरा चतरा,
और चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 94 नंबर पे। 94 नंबर में है दोस्तों, जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? बराकर, पंचानी, स्वर्णरेखा, दामोदर। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी होगा। स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही ये फैक्ट्री बसी हुई है। अब चलते हैं 95 में, झारखंड का सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है, यानी किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है पाकुड़, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सॉरी दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो है धनबाद, दूसरा जो ऑप्शन है पाकुड़, तीसरा जो ऑप्शन है डाल्टनगंज और चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर पाकुड़ इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 96 क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर क्या है, झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर संख्या का घनत्व कितना है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 4, ऑप्शन में देख सकते हो आप दोस्तों 770 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, बी में है देखते हैं 880 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, सी में है 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एवं डी में है 514 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी 514 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 97 क्वेश्चन में, क्या है 97 क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों 97 में है मिश्रित कृषि से आशय है, मतलब क्या आशय है? तो ऑप्शन नंबर ए में है खाद एवं चारा फसलों के उपजाने के साथ साथ पशुपालन, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न फसल अनुक्रमिक रूप से उपजाना, तीसरा है फसल उत्पन्न करना, चौथा है खाद एवं उर्वरक के मिश्रण का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाद एवं चारा फसलों के साथ उपजाना, खाद एवं चारा फसलों के उपजाने के साथ साथ पशुपालन को ही हम लोग मिश्रित कृषि भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग 98 नंबर में जाते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत में फसलों के निम्न समूह में से किसे रबी मौसम में उगाया जाता है? पहला ऑप्शन है गेहूं, जौ, चना, दूसरा है चावल, मकई तथा गेहूँ, तीसरा है जौ, मकई तथा चावल, बाजरा, चना तथा चावल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं, जौ तथा चना रबी मौसम में उगाया जाता है। 99 नंबर जो क्वेश्चन है, अनेकता में एकता की बात भारत में किसने प्रवर्तित किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा अनेकता में एकता की बात सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने प्रवर्तित किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है? विदेशों के साथ संबंधों का प्रवर्धन, दूसरा है प्राकृतिक स्रोतों का धारणीय उपयोग का नियंत्रण तथा उसकी सुरक्षा, तीसरा है बैंक के कार्यों का निरीक्षण, चौथा है किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति के विवादों का निपटारा करना सरकार का कार्य नहीं है। यहाँ 101 नंबर में देखते हैं दोस्तों, मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है, संघ संस्था का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार, डी में है अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संपत्ति का अधिकार। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग 102 क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर क्या है, कानून के ऊपर पद का क्या तात्पर्य है? राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कानून का अनुसरण नहीं करता है, गैर कानूनी कार्य करना, इनमें से सभी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है। स्वर्ण रेशा के रूप में किस कृषि उत्पाद को संदर्भित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा रेशम, तीसरा कपास और चौथा है चाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट। चलते हैं हम लोग 104वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पहला जो है 71वां संशोधन 1992, 72वां संशोधन 1992, 73वां संशोधन 1992, 74वां संशोधन 1993। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन 1992, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 105वें क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों? बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार है समशीतोष्ण, भूमध्यसागरीय, मानसून, तुंद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्यसागरीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 106 क्वेश्चन की ओर। 106 में क्या है हम लोग देखते हैं। 106 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? पहला ऑप्शन है दिल्ली, केरल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु। अब चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 107 पे। संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता किन दो तरीकों से सरकार कार्यान्वित करती है या कर सकती है? पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के लिए चुनाव क्षेत्र का संरक्षण, दूसरा है कानून बनाकर योजनाएं तथा स्कीम कार्यान्वयन करना, और तीसरा है संविधान को पूरे राष्ट्र में प्रचार करना, चौथा है अधिकारियों को सभी व्यक्तियों के प्रति समान बर्ताव करने कहना। तो 107 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कानून बनाकर योजनाएं तथा स्कीम का कार्यान्वयन करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 108वें क्वेश्चन में क्या है? इनमें से कौन राज्य का द्विसदनीय विधायिका नहीं है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। 109 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मानव पूंजी में निवेश का अर्थ क्या है? सभी को सही मेडिकल देखभाल, उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना जिनमें किसी प्रकार की दस्ता में रुचि है, इनमें से सभी। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? 109 का सभी को सही शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। 110 में क्या है? मंत्रियों के कौन तीन स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका जो सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग 111वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 111 में क्या है? निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास की सहायता से गरीबी हटाने का पारंपरिक रूप में सफल रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन में है केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, फिर पंजाब, हरियाणा, और डी में है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, केरल तथा पश्चिम बंगाल। हम लोग चलते हैं दोस्तों 112वें की क्वेश्चन की ओर। औसत आय क्या है? कुल राष्ट्रीय आय बट्टा देश की जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय बट्टा कुल राष्ट्रीय आय, तीसरा है राष्ट्रीय संपत्ति बट्टा देश की प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे ऑप्शन पर राष्ट्रीय आय बट्टा राष्ट्रीय बजट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय आय
बटा देश की जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों 113वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? चेक, क्रेडिट कार्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट एवं चौथा है डिमांड ड्राफ्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड को ही प्लास्टिक मुद्रा का एक कहा जाता है, यानी उनका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 114वें क्वेश्चन में क्या है। मैंने 5,10,000 रुपये में एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बुक किया था। गाड़ी की सुपुर्दगी 6 महीनों में करनी थी। गाड़ी की सुपुर्दगी में देरी हुआ। गाड़ी की कीमत बढ़कर 5,25,000 हो गया। इस मामले में ऑप्शन है यहाँ पहला, मुझे सुपुर्दगी के समय अतिरिक्त 15,000 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। मुझे 15,000 रुपये भुगतान करने में कोई देरता नहीं है क्योंकि देर कार डीलर के द्वारा हुआ है। मैंने गाड़ी की बुकिंग रद्द कर सकता हूँ तथा देर के लिए भुगतान की गई रकम की वापसी का दावा करूँगा। मैं किसी भी दूसरी गाड़ी में बदल सकता हूँ जो उपलब्ध है तथा अतिरिक्त राशि का भुगतान करना आवश्यक नहीं है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुझे 15,000 रुपये भुगतान करने में कोई देता नहीं है क्योंकि देर कार डीलर द्वारा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों 115वें क्वेश्चन में, झारखंड के कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, झारखंड का कितना भूमि क्षेत्र कृषि योग्य है। तो पहला जो ऑप्शन है 38 लाख हेक्टेयर, 18 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 38 लाख हेक्टेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। 116वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठचर्या केंद्रित है, किस चीज़ पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है बच्चे पर, स्कूल पर, प्राचार्य पर, शिक्षक पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे पर। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 117वें क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा? पहला ऑप्शन है जब वे दीर्घकालीन पाठ्यक्रम योजना का अभिन्न अंश है, जब वे कक्षा कक्ष क्रियाकलापों से नज़दीकी संबंध रखते हैं। तीसरा है उपलब्धि की उन्नति पर उनके प्रभाव के लिए क्रियाकलापों का मूल्यमापन और लास्ट है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 118वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो कौन महत्वपूर्ण लक्षण है, कक्षा में बिना निष्कर्ष के कोई कहानी प्रस्तुत करना, छोटे समूह में छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, तीसरा है प्रत्येक छात्र को लेखन कार्य दिया जाता है, चौथा है निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद प्रत्येक समूह संवाद करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में बिना निष्कर्ष कोई कहानी प्रस्तुत करना ही व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 119वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपना कर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किसी गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? तो पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, दूसरा है संदिग्ध निष्कर्ष से सामना करना, तीसरा है संबंधों को बनाना और चौथा है जांचों को बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर। अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण है?
ऑप्शन नंबर यह है, यह उन विषयों के लिए आवश्यक है जिनके लिए यह प्रभावित है। दूसरा, विद्यालयों में प्रयोगशालाएं सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, यह मूल्यांकित नहीं होता, शिक्षकों को कोई प्रायोगिक अनुभव नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मूल्यांकित नहीं होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टोटल 60 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये 2016 में आए हुए थे, इन्हें आप देख लेना, क्योंकि ये इसी प्रकार से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और मैं और एक बात दोस्तों, अगर ये इस वीडियो में दिखाए गए प्रश्नों में आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन फिर से लेके आऊँगा, देखूँगा कि गलत है या सही। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, लव यू ऑल।